सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस। परसम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पॉलिटी में आज जो हम चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। सो सिटीजनशिप इज पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज यूनियन इट्स टेरिटरीज। ये हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं, यूनियन इट्स टेरिटरीज। तो हमने भारत देश का निर्माण कर लिया है, उससे पहले हमने संविधान का निर्माण करा था, प्रीएमएल के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हमने हमारे भारत देश को बनाया था कि किस तरीके से स्टेट बनी है, किस तरीके से प्रोविजंस प्रिंसली स्टेट हमारे यहाँ पे आके जुड़े, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स आके हमारे देश में जुड़े, ये सब हम कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड, अब हम आगे करते हैं। देश बन चुका है तो अब देश की नागरिकता किसको मिलेगी, कौन कौन इस देश का सिटीजन होगा, इसके बारे में जानकारी हमारे को लेनी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप, देश बन चुका है, यूनियन टेरिटरीज। क्या होती है यूनियन टेरिटरी, क्या होती है स्टेट, किस तरीके से हम एक यूनियन है, क्या क्या पावर्स है पार्लियामेंट के पास देश के नक्शे को चेंज करने के लिए, क्या क्या टेरिटोरियल एरिया है हमारा, कहाँ पे मेंशनड है, ये सारी बातें हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज में वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड, अब हम हमारे देश में लोगों को बसाएंगे। तो कौन कौन लोग हमारे देश में बसेंगे, किस किस को नागरिकता मिलेगी हमारे देश पे, किस किस के यहाँ पे ठप्पा लगेगा कि यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सिटीजनशिप, सो सिटीजनशिप डील्स विद द पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट टू जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट वन इज यूनियन इट्स टेरिटरी, जो देश के बारे में बता रहा है, देश का नाम बता रहा है, देश की पॉलिटी बता रहा है। क्लियर है बात? तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। ये सिटीजनशिप चैप्टर की ओवरव्यू है। आज क्या क्या करेंगे, आज हम करेंगे 2 पॉइंट, और फिर 2 पॉइंट जो एंड के हैं वो वील डू इट लेटर ऑन इन दी नेक्स्ट क्लास। हालांकि मैं आपको समझा देता हूँ वॉट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दी चैप्टर सिटीजनशिप, क्या क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले सिटीजनशिप होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, किस बीमारी का नाम सिटीजनशिप है। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, जब हम आजाद हुए तो हमारे कौन सिटीजन थे, जब हम आगे बढ़ेंगे इस देश में तो किस तरीके से सिटीजनशिप डिसाइड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या क्या उल्लेख है, ये सारी बातें, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये सारी बातें हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में। ठीक है, तो आज मुख्य तौर पर ये 2 पार्ट करेंगे हम। देन आगे हम बढ़ेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट लाके पार्लियामेंट के पास जो पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है बार बार कि इस देश का सिटीजन कौन होगा, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हमारे देश की नागरिकता अगर किसी को चाहिए, किसी को भारत देश का नागरिक अगर बनना है तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, या किस तरीके से उसको इस भारत देश की नागरिकता मिल सकती है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और कैसे किसी की सिटीजनशिप छिन सकती है, तो इट इज दी ऑपोजिट, जिस तरीके से मैं अक्वायर कर सकता हूं वैसे ही कुछ कानून ऐसे भी हैं जो कि ये गवर्न करते हैं कि इन कारणों से आपकी सिटीजनशिप जा भी सकती है अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा कुछ करने पे, ऐसे कोई काम करने पे, ऐसे कोई कृत्य करने पे आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता भारत देश की छीनी भी जा सकती है, या ऑटोमेटिकली इट विल बी डीम्ड टू बी डिसोल्व, वो आपके नागरिक नहीं कहलाओगे आप। ठीक है, जैसे फॉर दैट मैटर अगर हम कोई सेकंड पासपोर्ट ले लेते हैं या सेकंड सिटीजनशिप ले लेते हैं फॉर एनी कंट्री, तो हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो जैसे ही द मोमेंट वी टेक द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, हमारे देश की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, देन हम भारत के नागरिक नहीं रहते हैं। अगर किसी ने भी दूसरे देश की जाके सिटीजनशिप ले ली है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दी वे बाय वी कैन लूज दी सिटीजनशिप, और इसी तरीके से हम और भी तरीके पढ़ेंगे। देन हल्की सी ब्रीफिंग हम लेंगे सिटीजनशिप एक्ट 2019 की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो क्या क्या संशोधन लाए और क्या ये बहुत ही रिसेंट अफेयर है 2019, जिससे काफी देश में बवाल भी हुआ था, तो इसको भी समझेंगे, बट दिस विल बी कवर्ड इन दी नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। क्लियर है? ये हमारी ऐप है परचम ऐप। सो परचम ऐप पे अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो वहां से जाके आप परचम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर बेटर प्रिपरेशन आपके लिए डिजाइन प्री डिजाइन कोर्स भी है, पूरा पॉलिटी का पॉलिटी कोर्स है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का कोर्स है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट भी कवर होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के, स्टैटिक जी के, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होगा, इकोनॉमिक्स एवरीथिंग बाय द बेस्ट फैकल्टीज।
तो ये भी आप जाके प्रथम ऐप से खरीद सकते हैं। देन फॉर प्रैक्टिस और मॉक प्रैक्टिसेस यू कैन डू दी टेस्ट सीरीज ऑल्सो, यू कैन ऑप्ट फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो, वो भी वहां पे अवेलेबल है। तो वहां पे जो भी अवेलेबल डिस्काउंट है दैट आर वैलिड ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा 15% का इफ यू अप्लाई दी कोड DIL15, DIL15, DIL15 अगर आप लगाएंगे तो यू विल गेट दी एडिशनल डिस्काउंट अपार्ट फ्रॉम दी डिस्काउंट्स देयर। जो वहां पे डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इसके बाद आपको और 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे कोर्सेज पे, पॉलिटी के कोर्स पे, टोटल जीए कोर्स पे और टेस्ट सीरीज सब पे। किसी पे भी आप ये कोड लगाएंगे तो इट इज वैलिड, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं। कोर्सेज लेने का फायदा क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो सबसे पहले इफ टाइम इज मनी, अगर आपके पास टाइम की कीमत है आपको, आप सबसे पहली बात तो अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप कोर्स ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए यूट्यूब इज ऑल्सो सफिशियंट। मेन कारण क्या है, यूट्यूब पे यूट्यूब गाइडलाइंस के थ्रू हम कोर्स डालते हैं, तो वहां पे वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर। हम एक साथ सारे वीडियोस नहीं डाल सकते, हमें जैसे हफ्ते में आपको पता है पॉलिटी के 2 वीडियोस आते हैं, सिमिलरली हर सब्जेक्ट के 2 से 3 वीडियो आते हैं। सो इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म, तो वहां पे हम समय के साथ लेते हैं। वहीं पे आपको जब आप कोर्स लेंगे तो यू विल गेट ऑल दी वीडियोस एट वन गो। तो सबसे पहले तो इफ टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू या टाइम की कीमत आपके है तो आप जरूर उसको कोर्स ले सकते हैं। देन आपको एडिशनल वीडियोस वहां पे मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल पार्ट हैं हमारे पढ़ते पढ़ते, कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट आते हैं तो उनके वीडियोस ज्यादातर आपको सारे कहां मिलेंगे, आपको कोर्स में मिलेंगे। देन स्पेशली टेस्ट सीरीज जो है या मॉक टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होगी वो हम कराएंगे कोर्सेज के अंदर। तो अगर ये सब बातें हैं आपको चाहिए तो यू कैन बाय दी कोर्स, अदरवाइज सिर्फ अगर आपको नॉलेज चाहिए या आपको टॉपिक चाहिए तो टॉपिक विल बी मोर और लेस कवर्ड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। एटलीस्ट फॉर माई कोर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको करीब करीब कोर्स की सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट एडिशनल और टाइम की कीमत है, टाइम को बचाना है, सेव करना है, क्योंकि टाइम का ही गेम है सारा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी नहीं है तो आप आराम से यूट्यूब पे कर सकते हैं, बट अगर आपके एग्जाम्स फोर्थ कमिंग है, जल्दी आपको करना है, तो आप इसका फायदा उठा के यू कैन डायरेक्टली टेक दी कोर्स, और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे है, ऐसा कोई खास महंगा कोर्स नहीं है। यू कैन कंपेयर इट विद अदर साइट्स आल्सो, आप आराम से सोच समझ के एक विजडम वाला वाइज वाला डिसीजन लेके यू कैन बाय इट एनी व्हिच वे मूविंग अहेड। सो सिटीजनशिप चैप्टर अब हम चालू करते हैं। तो सिटीजनशिप चैप्टर में सबसे पहला पार्ट हमें करना है मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप होती क्या है, किसी भी देश की नागरिकता क्या होती है, तो सिटीजनशिप एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो सिटीजनशिप इज अ राइट टू हैव राइट्स। हर देश की स्टेट मशीनरी, हर देश की मशीनरी या गवर्नेंस मशीनरी जो होती है जिससे देश चलता है, वो कुछ अधिकार देती है, वो कुछ अधिकार देती है अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को, फंडामेंटल राइट्स देती है, नॉर्मल राइट्स देती है, बहुत सारे राइट्स देती है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, ये सब जो राइट्स है तो ये राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। तो इन राइट्स को इंजॉय करने के राइट को ही हम बोलते हैं सिटीजनशिप। हर कोई ये राइट इंजॉय नहीं कर सकता, अगर वो उस देश का नागरिक नहीं है तो उसको सारे राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, कुछ ह्यूमैनिटरी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं जो कि पूरे देश की ह्यूमन काउंसिल्स आपको बोलती हैं, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन जो होती हैं, तो वो तो आपको सबको देने ही है, वो आप किसी को नकार नहीं सकते, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल माहौल है जो आपको देना ही देना है, जो कि पहले के समय में नहीं होता था, बट आज की तारीख में आपको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपको ये देने ही पड़ेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट मशीनरी और द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट होती है या जो सरकार है या जो कोई आपका जो सिस्टम है आपके देश का, वो आपको कुछ अधिकार देता है, स्पेशल अधिकार देता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा अगर आप सिटीजन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भारत देश में आके सरकारी नौकरी कर सकता है, क्लियर है? अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो यू हैव टू बी दी सिटीजन ऑफ आर कंट्री। सिमिलरली पॉलिटिकल जो आपके पोस्ट हैं, पॉलिटिकल पोस्ट हैं, अगर आपको पॉलिटिकल कोई पोस्ट कैंडिडेट बनना है तो भी आपको सिटीजनशिप की जरूरत है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपको पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिल सकती। सिमिलरली प्रेसिडेंट भी जो हमारा है, प्रेसिडेंट की भी अगर जो हमारी फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर कंट्री है, नाम से ही पता पड़ रहा फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर कंट्री, तो उसके लिए आपको सिटीजन होना पड़ेगा। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए आप इनबिल्ट, मतलब आप शुरुआत से ही नेटिव सिटीजन हो या फिर आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजन हो, भारत में आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हैं या यू कैन बी अ कंटेंडर फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है?
बट यू हैव टू बी दी सिटीजन। अब सिटीजन भी दो टाइप के होते हैं, एक जो सिटीजन होते हैं और एक जो अक्वायर करते हैं, जो नेचुरलाइजेशन या अलग प्रोसेस से अक्वायर करते हैं, शुरुआत से सिटीजन नहीं होते। तो इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजन बना है या जो शुरू से ही सिटीजन है, दोनों ही प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। वहीं पे कई कंट्रीज पे इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे यूएसए में, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होना चाहिए ही शुड बी दी नेटिव सिटीजन ऑफ आर ऑफ देयर कंट्री। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ऐसे जो राइट, जो भी राइट्स हमारे देश की सरकार हमारे देश के नागरिकों को देती है, देश की जनता को देती है, तो उसको इंजॉय करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सिटीजन के पास अवेलेबल है। अब आपको लगेगा जब हमारे देश की सरकार दे रही है और हमारे देश के लोगों को दे रही है तो फिर सभी को मिल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर कैसे डिफरेंस है एक सिटीजन या नॉन सिटीजन में? तो ऐसा नहीं होता कि सारे हमारे जो देश में लोग रहते हैं वो सबके सब हमारे सिटीजन ही होते हैं। जितने भी लोग इस देश में रहते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो आता है आपका सिटीजन जो नागरिक है, और एक होता है आपका एलियन। अब एलियन से ही मतलब नहीं है यूएफओ वाला एलियन या अदर प्लेनेटरी स्पीशी को हम एलियन बोल रहे हैं यहाँ पे, अदर प्लेनेटरी नहीं बट अदर कंट्री स्पीशी अगर कोई है, जैसे कोई दूसरे देश से हमारे देश में आया है फॉर स्टडी पर्पस, फॉर वर्क पर्पस, या यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, यहीं का इंसान बन के रह रहा है, लेकिन फिर भी जब तक उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इस देश की, तो वो क्या कहलाएगा? वो एलियन ही कहलाएगा। ही विल बी एन एलियन पर्सन फॉर आर कंट्री। हमारी देश की गवर्नेंस के लिए क्या होगा? वो एक एलियन पर्सन ही होगा। एलियन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन, जो हमारे मित्र देश का है, वो हमारा फ्रेंडली एलियन होगा, और एक होता है एनिमी एलियन, जो कि जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर है तो उधर का कोई नागरिक हमारे यहाँ पे है तो वो हमारे लिए एनिमी एलियन कहलाएगा। रहना उसको भी अलाउड है, उसके पास भी ह्यूमन अधिकार है। मैंने आपको बोला ह्यूमन अधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स है, वो तो आपको सबको प्रोवाइड करने ही है, चाहे वो वॉर कंट्री को बिलोंग करता हो, एनिमी एलियन हो, तो भी हमें उसे प्रोवाइड करने हैं। लेकिन फ्रेंडली एलियन को थोड़े से ज्यादा राइट्स मिलते हैं देन दी एनिमी एलियन। और सिटीजन जो है वो टॉप है, जिसके पास सारे राइट होंगे, एक देश की गवर्नेंस के सारे राइट होंगे। तो इतने टाइप के लोग रहते हैं। अब सपोज करो कोई क्रिकेटर है जिसने अपना अपना देश छोड़ के हमारे भारत देश में आके क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे कोई फॉर एनी वर्क पर्पस यहाँ पे आया हुआ है, कोई डेलीगेशन के लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, तो हमारे सिटीजन नहीं है लेकिन वो हमारे एलियन जरूर है, एलियन रेजिडेंट जरूर है हमारे यहाँ पे। क्लियर है? तो उनको भी हमें कुछ ना कुछ राइट देने हैं। तो राइट देने के भी दो तरीके होंगे, यानी कि एलियन में भी दो लोग होंगे, एक तो क्या, अगर हमारी फ्रेंडली कंट्री को बिलोंग करता है तो उसके पास कुछ ज्यादा राइट्स होंगे, और जो हमारे एनिमी कंट्री को करता है तो उसके पास थोड़ी सी कम राइट होंगे, या सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स होंगे, अदरवाइज उसके पास कोई भी ऐसे राइट नहीं है इंजॉय कर, जो एक सिटीजन के पास होते हैं। और सिटीजन एक ऐसा है इंसान जो कि सारे राइट इंजॉय कर सकता है। क्लियर? तो अगर किसी को भी हमारे देश की बाउंड्री में रहके, हमारे देश के टेरिटोरियल एरिया में रहके सारे राइट्स को इंजॉय करना है, जितने भी अधिकार हमारे देश की सरकार देती है वो अगर इंजॉय करने हैं या उनका लाभ उठाना है, तो उसके लिए वो हमारे देश का सिटीजन होना चाहिए, क्लियर है? सो इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन इज सिटीजन एंड द अदर वन इज एलियन। से मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है सिटीजन। फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजियंस टू इट। हमारे भारत देश का नागरिक होगा वो, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत देश का नागरिक होगा, और वो पूरी निष्ठा से भारत का नागरिक होगा, वो पूरी अपनी एलिजियंस उसके साथ दिखाएगा, साथ ही साथ इंडिया जो है वो भी अपने उसको अपना नागरिक मानेगा। तो उसके प्रति, देश के प्रति उसकी एलिजियंस होनी चाहिए और देश की एलिजियंस उसके प्रति होनी चाहिए, वही एक सिटीजन कहलाता है। दे इंजॉय ऑल सिविल पॉलिटिकल राइट्स। तो जो भी सिविल पॉलिटिकल राइट्स जितने भी हमारे भारत देश में प्रिवेलेंट है वो सारे के सारे हमारे सिटीजन को मिल जाएंगे, इसलिए ही उसे सिटीजन कहा गया है। सिटीजन इज द पर्सन हैविंग द राइट टू एंजॉय ऑल द राइट्स, सारे राइट्स वो एंजॉय कर सकता है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, नेता बनना हो, अभिनेता बनना हो, कुछ भी करना हो, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है, एवरी राइट इज अवेलेबल टू द सिटीजन, ठीक है, विच इज नॉट द केस फॉर एलियन। एलियन में भी दो कैटेगरी, फ्रेंडली में कुछ अधिकार रहेंगे और वॉर वाला जो एनिमी एलियन होगा उसके पास तो बेचारे के पास बहुत ही मिनिमम ह्यूमन राइट्स होते हैं, इसके अलावा कोई राइट्स नहीं होते हैं। एलियन सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो जिस हिसाब से उसका दर्जा है फ्रेंडली और वॉर का, एनिमी का, उस मैग्नीट्यूड में उसको वो राइट अवेलेबल हो सकते हैं। क्लियर है?
सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, क्या क्या फायदा है, क्यों सिटीजनशिप लेनी चाहिए, क्या कारण है, क्या फायदे आपको होंगे अगर आप सिटीजन होंगे और क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहां किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहां बताया गया है, तो राइट आफ्टर द पार्ट फर्स्ट, जब हमने देश बनाया जिसको हमने पढ़ा था यूनियन एंड टेरिटरी, कि हमने हमारे भारत देश का एक यूनियन बनाया है, उसमें सारी स्टेट्स अमलगमेटेड है, फिर हमारी एक सेंट्रल सरकार है, ये टेरिटोरी है, कौन से पार्ट में दी हुई है, क्या आर्टिकल नंबर 1 से 4 गवर्न करते हैं, कौन से थे यूनियन टेरिटरी के आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 और शेड्यूल 1 था, जहां पे सब कुछ सपोर्टिंग जो भी टेक्स्ट है इस आर्टिकल 1, 2, 4 का, वो कहां दिया हुआ है, शेड्यूल 1 में। तो जिस भी स्टेट की टेरिटोरी ले लिया, भारत की पूरी टेरिटोरी ले लिया, कहां से कहां जा रही है, क्या किलोमीटर है, सब कुछ आपको कहां दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको शेड्यूल 1 में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट टू पे जब हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम बात करते हैं नागरिकता की। ठीक है, नागरिकता की, और इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 5 to 11 आर्टिकल जो है दैट डील्स विद सिटीजनशिप, ये जो आर्टिकल है ये डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 1 से 4 यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 5 से 11 आपका सिटीजनशिप, फिर आएगा अपना आगे का आर्टिकल 12 से जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्टिकल 5 से 11 में पहले जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हैं, ये 1950 में जब हमारा संविधान बना, जब 1950 में हमारा संविधान बनाया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स जो थे, उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि 26 जनवरी 1950 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है, द एनफोर्समेंट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है, उस दिन हमारे भारत देश का क्या कौन कौन नागरिक होगा, उस दिन भारत देश का कौन कौन नागरिक कहलाएगा, उसकी डिटेल इस आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 में दी हुई है। क्योंकि जैसा आपको पता है यूनियन टेरिटरी जब हमने पढ़ा था पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ये माना नहीं था कि हमारा देश ऐसा ही रहेगा, हमने स्टैटिक नक्शा नहीं बनाया था, हमने डायनामिक प्रोविजन बनाए थे। आपको याद हो कि किसी भी टेरिटरी को हम अक्वायर कर सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट बना सकते हैं, क्लियर है बात। तो ये डायनामिक कंसेप्ट था कि ऐसा नहीं है कि हम एक भारत का नक्शा बन चुका है 26 जनवरी 1950 को, तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद जैसे आपको पता है बहुत सारी टेरिटरीज हमने बाद में लेटर ऑन हमारे देश में विलय करवाई या फिर हमने उसको अक्वायर करा, क्लियर है, ये सब चीजें लेटर ऑन हुई है, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, इनको हमने भारत देश का भाग बाद में बनाया, लेटर ऑन इन लाइफ बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब क्योंकि जब नए नए लोग जुड़ेंगे, नई नई टेरिटरी को हम अक्वायर करेंगे, तो ऑब्वियस बात है सिटीजनशिप भी हम स्टैटिक नहीं रख सकते। जब हम देश के नक्शे को ही स्टैटिक नहीं रख रहे हैं कि हमारे देश का नक्शा ऐसा का ऐसा होगा, यही एरिया रहेगा, यही लैंड मास रहेगा, तो उसके रहने वाली जनता कैसे स्टैटिक हो सकती है कि ये यही भारत देश के नागरिक रहेंगे। ऑब्वियस बात है कोई पार्ट हो सकता है भारत देश से अलग करना पड़े हमारे को, कोई हो सकता है हम अक्वायर करें, तो वहां की नागरिकता भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी, और इसी कारण से पल पल नागरिकता चेंज होती है, हर बार नागरिकता में कुछ ना कुछ बदलाव संशोधन लाए जा सकते हैं बाय दी पार्लियामेंट। लाएगा कौन? पार्लियामेंट, स्टेट सरकार नहीं लाएगी, एक प्रदेश की सरकार नहीं लाएगी, ये लाएगी चेंज तो कौन लाएगी, ये ला सकती है हमारी देश की सरकार, संसद में ही जाके पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप में कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, क्लियर है बात। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने क्या किया, उन्होंने हमें बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को जब हम इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं तब तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सिटीजन है, लेकिन आगे कौन कौन सिटीजन रहेगा ये पार्लियामेंट ही बताएगी, हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या हो किसने देखा, हमें नहीं पता कि हमारे देश में क्या मोड़ आए, क्या पता हम पे कोई आके वापस से राज कर ले, क्या पता हम किसी पे राज कर ले, क्या हम कुछ अक्वायर कर ले, तो हम गारंटी नहीं दे सकते। बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन वी आर रिलीजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो कि सिटीजन कहलाएंगे, इस भारत देश के नागरिक कहलाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 स्पेसिफिकली जो आर्टिकल हैं ये इस बारे में डील करते हैं, 9, 10, 11 क्या करते हैं वो भी अपन लेटर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो है, तो जैसे चार आर्टिकल है तो इसमें चार कैटेगरी लोगों से डील किया गया है, चार कैटेगरी के लोगों से डील किया गया है कि ये लोग जो है ये भारत देश के नागरिक हो सकते हैं ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डोमिसाइल,
आपका जो रहना है, आपका जो निवास है वो कहां पे होना चाहिए, कहां पे है आपका घर, आपका जो बिलोंगिंग है वो कहां पे है, आपकी इंडिया के अंदर है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, योर डोमिसाइल शुड बी इन इंडिया, योर डोमिसाइल शुड बी इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक कंडीशन, ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, इसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन और दे रखी है, ये प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा मतलब जोड़, मतलब ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, क्या है मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और वाला ऑप्शन है कि या तो डोमिसाइल हो या फिर ये कंडीशन हो, नहीं, डोमिसाइल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए। हाँ, इन कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, लेकिन एक ना एक तो होनी ही चाहिए। तो बेसिकली क्या हो गया, दो चीजों को, एक डोमिसाइल या फिर ये जो आगे की तीन कंडीशन बता रखी है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन हो, ये दोनों अगर फुलफिल होता है, ये दोनों कैटेगरी अगर फुलफिल होती है, चेक होता है दोनों पे, तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा ऑन 26 जनवरी 1950। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये आगे की कहानी नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 की कहानी है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला तो बॉर्न इन इंडिया, यहां तो आपका जन्म कहां पे हो, भारत देश में हो, भारत देश यानी कि उस समय का जो भारत देश है उसमें आपका जन्म हो, ठीक है। या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जन्म नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, तो आपके माँ बाप का जन्म कहां पे हुआ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, और उसके बाद से आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इस देश के 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। ये आपको दिख नहीं रहा है, तो 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। तो मैं 26 जनवरी 1950 को देखूंगा कि भैया यहाँ तो डोमिसाइल तो है ही है, ये तो तय ही हो गया कि डोमिसाइल तो होना ही चाहिए, या फिर डोमिसाइल तो होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ तो उस बंदे का जन्म, सपोज एक आदमी अपन ने ले लिया राजवीर, ठीक है, हमने क्या नाम ले लिया राजवीर, तो राजवीर नाम का हमने आदमी ले लिया, अब इसका डोमिसाइल, ये रहना तो कहाँ चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए, डोमिसाइल उसका जो निवास है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से एक कंडीशन हो, या तो इनका जन्म, खुद का जन्म भारत में हुआ हो, या इनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और जब आज कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है 1950 में, ये आप इमेजिन करोगे, वो 1950 की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 को इनके 5 साल ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंप्लीट होने चाहिए, मतलब ये पिछले 5 साल से इस देश में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गए हमारे, ये हमारे सिटीजन बन गए, ये कंडीशन दे दी हमारी, क्लियर है बात, बात आती समझ में। डोमिसाइल, इनका निवास कहाँ होना चाहिए, इनका निवास भारत देश में ही होना चाहिए, भले ही वो पैदा कहीं पे भी हुए, पैदा कहीं पे भी हो, क्योंकि पैदा की कंडीशन अलग अलग दे रखी ना, लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं, अभी डोमिसाइल इंडिया में है, और पिछले 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये तो एक कंडीशन है, ठीक है, डोमिसाइल यहाँ पे। दूसरा, उनका जन्म इंडिया में, खुद का जन्म भी इंडिया में हुआ हो, या फिर उनके पेरेंट्स का जन्म भी इंडिया में हुआ हो, लेकिन पिछले 5 साल से वो यहीं रह रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरीके से, तो आर्टिकल 5 ये बोल देता है कि ये आदमी इस देश का सिटीजन होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये बात आती है समझ में, क्लियर है, नहीं आती, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ये अपन ने रबर लिया, ये अपन ने यहां से थोड़ा सा मिटा दिया। ये बोलता है आर्टिकल 5 कि सबसे पहली कंडीशन तो है कि भैया आपका डोमिसाइल यहां होना चाहिए, ठीक है, इस पे तो चेक लगना ही चाहिए, ये चेक हो गया तब तो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये चेक हो गया। दूसरा क्या कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन में चॉइस है, यहां तो आपका जन्म, जैसे राजवीर अपन ने लिया, तो राजवीर का जो बर्थडे है या राजवीर का जो जन्म है वो बर्थडे इंडिया में मनाना चाहिए, इंडिया में ही पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है, राजवीर बॉर्न इन इंडिया, पैदा कहाँ होना चाहिए, बॉर्न इन इंडिया, ऐसा हो, या राजवीर के माँ बाप जो हैं, मापा जो हैं, वो कहाँ से पैदा हुए होने चाहिए, वो इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, इन दोनों कंडीशन में से अगर एक है, और साथ ही साथ वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है फॉर 5 years, 5 साल हो गए उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने हुए, अप टिल 26 जनवरी 1950, 1950 जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक, बनाते वक्त तक, अगर वो पिछले 5 साल से रेजिडेंट हैं इस भारत देश के, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहे हैं इस भारत देश में, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी इस देश को, इस देश की 26 जनवरी 1950 के दिन, क्लियर है बात। तो ये तो था हमारा आर्टिकल 5। फिर आता है आर्टिकल 6, तो ये तो हमारे डोमिसाइल वाले लोग हैं जो यहां पर रह रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 6 क्या है,
आर्टिकल 6 उस कैटेगरी के लोगों से बात करता है जो आए हैं माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब हमारा विभाजन हुआ तो विभाजन के टाइम काफी सारे लोग इधर उधर हुए, हमारे लोग वहां चले गए, वहां वाले लोग यहाँ आ गए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम वहां वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करें, तो हमें उनको भी एक्सेप्ट करना था और हमारे भारत देश को नागरिकता उनको देनी थी। ठीक है, तो वो लोग जो कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान है उनके लिए है ये आर्टिकल नंबर 6। तो क्या बोलता है आर्टिकल 6, ही मतलब वही राजवीर या तो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके दादा दादी वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया क्या है, वो खुद या उनके पिताजी हिज पेरेंट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। वो जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जो विभाजन से पहले का इंडिया था, यानी कि विभाजन से पहले मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ये जो एरिया है इस टेरिटोरियल एरिया में अगर उनका जन्म हुआ है तो पहली कंडीशन तो यह है उन लोगों के लिए। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि भैया जो इधर से इंडिया की तरफ मूव करें। अब इसमें भी इन्होंने दो कैटेगरी बना दी है, बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948। ठीक है, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले पहले वो माइग्रेट कर चुके हैं भारत में, उनका आगमन हो चुका है इंडिया में, पाकिस्तान से आए हैं चाहे बांग्लादेश से आए हैं उससे मतलब नहीं है, बट इंडिया के अंदर आ चुके हैं, माइग्रेशन हो चुका है, तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। इसके साथ एक और कंडीशन है, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है फॉर 6 मंथ्स, कितने के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं और जब से लेके 19 जुलाई 1948 तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इस देश के, तो उनको ये सिटीजनशिप अक्वायर दे दी जाएगी, ग्रांट कर दी जाएगी। क्लियर है बात। तो अगर कोई बंदा 1 जुलाई 1948 को भी आया है और उसके बाद से ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है, तो उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड वो या उसके मम्मी पापा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में, अनडिवाइडेड भारत में, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा केस किसका है, जो 19 जुलाई 1948 के बाद है। ठीक है, दो टाइप के लोग थे, एक तो 19 जुलाई, कोई ट्रेन 19 जुलाई के बाद ही आई होगी, ठीक है, या काफी सारे लोग बाद में जाके इंडिया आए होंगे, थोड़े टाइम बाद आए होंगे। तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई इंडिया आया है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सिटीजनशिप ग्रांटेड कब होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है 6 महीने के लिए हो, यहां पे क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट 6 महीने की डेट नहीं है, 6 महीने का क्लॉज नहीं है यहां पे। ठीक है, 6 महीने का क्लॉज नहीं है, बस जिस दिन आप आए हो उस दिन से आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, भले ही आपको 2 महीने हुए आए हुए, लेकिन आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो 2 महीने से, ठीक है, तो आपके लिए वैलिड है। इस वाले केस में क्या है, आपको कम से कम 6 महीने ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना पड़ेगा, पहली बात तो ये, और उसके बाद यहां पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज अ सिटीजन, ठीक है ना। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको नियमन कराना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। इस वाले केस में, पहले वाले केस में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, बस आप जिस दिन आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले, जिस दिन भी आप आए हो तब से लेके आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है भारत का। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आए हो तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है 6 महीने के लिए, पहली कंडीशन 6 महीने के लिए, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो आपको रजिस्टर कराना है एज अ सिटीजन, उससे पहले आप रजिस्टर करा ही नहीं सकते, और उसके बाद जब 6 महीने हो जाएंगे तो आप रजिस्टर करा सकते हो, फिर ही आप सिटीजन कहलाओगे। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन तो है ही है दोनों के लिए, चाहे 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो, चाहे 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, आप या आपके माता पिता या आपके दादा दादी कहां पैदा हुए होने चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो तो होंगे ही जनरली, जब ये अपन इतनी बात करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान से क्यों कोई आ रहा। ठीक है, पाकिस्तान विभाजन से जो आ रहे हैं मतलब वो कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे और वो कहीं ना कहीं यहीं पैदा हुए थे, इसलिए उनको सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बात, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आती है, वो उनके माँ बाप या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं
उसके बाद अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो बस आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहना है, उतने समय तक आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने के लिए मिनिमम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है और उसके बाद आपको आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है, वो कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सारी बातें कब की हो रही है, ये आज की बात नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 की बात है। तो 1950 पे कौन कौन होगा उसकी कहानी दे रखी है, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 तीसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब ये 4 कैटेगरी के बारे में बात हो रही है। पहला तो डोमिसाइल वाला लोग था, जो डोमिसाइल यही है, यही रहता है, ठीक है, यही का निवास है उसका। दूसरा था जो पाकिस्तान से यहाँ आया है। तीसरा है जो रीमाइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान है, मतलब विभाजन के टाइम वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाने के बाद उसको मजा नहीं आया या सेटल नहीं हुआ, यहाँ पे मारकाट चल रही थी या वहां पे क्या चल रहा था, वो वापस पाकिस्तान आ गया। अब ऐसा नहीं है पाकिस्तान में चल रही थी, हमारे भारत देश में भी खूब मारकाट चल रही थी, बहुत सारे लोग भारत से भी वापस पाकिस्तान गए हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ एक ही साइड को विलन मत देखा करो, या विलन वाली बात नहीं है, हम भी विलन नहीं है, वो भी विलन नहीं थे, उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या थे अपन कमेंट नहीं कर सकते। अपन 70 साल बाद बैठ के अपन उधर की कमेंट उस चीज पे अपन नहीं कर सकते। कुल मिला के आर्टिकल 7 डील करता है ऐसे लोगों से जो पहले तो गए इंडिया से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस आ गए इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान से वापस कहाँ गए, वापस भारत की तरफ आ गए, उनको कोई भी काम थे वहां पे, सेटल नहीं हुआ, मजा नहीं आया, घर परिवार की याद आ गई, व्हाटएवर मे बी द रीजन, भगा दिया, मारा काटा, व्हाटएवर मे बी द रीजन, वापस वो इंडिया में आ गए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है आर्टिकल 7। और है कब की बात, ये बात हो रही है हमारी कब, सिटीजनशिप की बात, किस दिन की, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, ठीक है। तो माइग्रेटेड टू पाक फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 जुलाई 1947 बट रिटर्न अंडर अ परमिट फॉर सेटलमेंट। तो ये माइग्रेट हुए 1 मार्च 1947, जब से हमारे माइग्रेशन चालू हुआ, या आपस में दोनों देशों से जो दोनों नए देश बनने वाले थे उनके बीच में आना जाना हुआ, वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहां गए। तो उस माइग्रेशन जो हुआ है 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन किसी और कारण से वापस बाद में ये क्या हुआ, भारत में वापस आ गए। तो इनके लिए क्या कंडीशन है, इनके लिए कंडीशन ये है, नीड टू बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर इंडिया ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरली आप रेजिडेंट हो इस देश में फॉर अ मिनिमम 6 मंथ पीरियड, फॉर अ मिनिमम 6 मंथ पीरियड बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। तो यही वाला जो पॉइंट अपन ने यहां पे करा था कि 6 महीने के लिए आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, साथ ही साथ आप उसके बाद क्या कर पाओगे, आप रजिस्ट्रेशन करा पाओगे, आप पंजीकरण करा पाओगे, रजिस्ट्रेशन करा पाओगे फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, उससे पहले आपको मिल नहीं सकती। तो मिनिमम आपको 6 महीने के लिए सिटीजनशिप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रहना पड़ेगा इस देश में, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आफ्टर ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क, जो भी आपको नेसेसरी पेपर वर्क है, वेरिफिकेशन है, वंस इट इज वेरीफाइड, तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है बात। तो सेम सी कंडीशन है जो आर्टिकल 6 के सेकंड पार्ट की थी, क्लियर है बात। आर्टिकल 7 आई होप क्लियर। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जो कि अ पर्सन हुज पेरेंट्स हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो खुद तो इंडिया में पैदा हुए थे, वो या उनके माँ बाप या उनके दादा दादी, बट वो आज की तारीख में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो भारत में नहीं रह रहे, अनडिवाइडेड भारत में नहीं रह रहे, वो बिल्कुल ही बाहर रह रहे हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है। वो सपोज करो अमेरिका में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, स्पेन में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उनको सिटीजनशिप चाहिए हमारे भारत देश की, तो कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, 26 जनवरी 1950 के दिन कैसे मिलेगी, तो नीड टू रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो ये बेसिकली क्या करना है, उनको अपने जो भी देश में रह रहे हैं, सपोज स्पेन में रह रहे हैं, सपोज फ्रांस में रह रहे हैं, तो वहां पे जाके भारतीय दूतावास में या भारतीय डिप्लोमेटिक जो सर्विस है, काउंसलेट है, वहां पे जाके आप अपना पंजीकरण करा दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए कि आई बिलोंग टू दिस कंट्री और मुझे इस भारत देश की नागरिकता चाहिए। हाउएवर अभी मैं इस देश में रह रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस वजह से रह रहा हूँ, बट मैं सिटीजन कहाँ का हूँ, भारत देश का हूँ। तो आप इस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये 4 आर्टिकल थे जो 4 टाइप के लोग थे जिनको सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनके बारे में जिक्र कर रखा है। ऑन 26 जनवरी 1950 की स्थिति है ये, तो उनको किस किस तरीके से सिटीजनशिप अलाउ होगी ये बता रखा है इस वाले आर्टिकल्स में। सो आर्टिकल 5 डोमिसाइल, आर्टिकल 6 माइग्रेशन, डोमिसाइल जो यहीं रह रहे हैं, माइग्रेशन जो पाकिस्तान से इंडिया है,
आर्टिकल 7 जो रिवर्स माइग्रेशन है, रीमाइग्रेट हो रहे हैं, जो पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस यहाँ पे आ गए, दैट इज आर्टिकल 7। और आर्टिकल 8 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है बट ये आउटसाइड इंडिया के लोग हैं, आउटसाइड इंडिया में पैदा हुए हैं, या इनके माँ बाप पैदा हुए हैं, या इनके ग्रैंड पेरेंट्स बाहर पैदा ये खुद पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप पैदा हुए हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन आज की तारीख में बाहर रह रहे, आउटसाइड इंडिया रह रहे, उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आज की तारीख में हम इनकी बात करेंगे, ऋषि सुनक जो अभी पीएम बने अपने यूके के, तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये क्या है, इनके दादा दादी कहाँ से हुए, ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। इनके दादा दादी, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वर बॉर्न इन इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, वो इधर पैदा हुए थे। तो अगर वो चाहते हैं भारत देश की नागरिकता, 26 जनवरी 1950 की कहानी बता रहा हूं मैं, कि अगर वो भारत देश की नागरिकता चाहते हैं, हालांकि ये वाला क्लॉज तो अभी भी वैलिड है, आज भी किसी को चाहिए तो यही तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये 1950 के लिए भी है और आगे भी पार्लियामेंट ने इसको कंटिन्यू करा है कि अगर आपको बाहर आप रहते हो, बाहर के रेजिडेंट हो आप, और आपको भारत देश की नागरिकता चाहिए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो सपोज ऋषि सुनक है जो, उनको अगर आपको भारत की नागरिकता उनको चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको क्या करना है, सिर्फ इंडियन एम्बेसी में जाना है, ये बताना है कि मेरे दादा दादी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एप्लीकेशन लगानी है, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बट क्योंकि अगर उनके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है आफ्टर वेरिफिकेशन, और वो उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं या उसको गिव अप नहीं करते हैं, तो भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, भारत में एक ही देश की सिटीजनशिप है और वो भारत की है। अगर आप भारत के हो तो आप भारतीय ही हो, आप और कोई भी नहीं हो। कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो दो दो कंट्री की सिटीजनशिप भी देती है, दो दो बेनिफिट भी देती है, दो दो ड्यूटीज भी देती है आपके ऊपर, कि आप इस देश के भी टैक्स भरोगे, आप इस देश का भी टैक्स भरोगे, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप होती है। हमारे भारत देश में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, हम एक ही, अगर हम भारतीय हैं तो हम भारतीय ही हैं, हम और कुछ नहीं है, क्लियर है बात। तो ऋषि सुनक अगर दूसरी सिटीजनशिप डिसॉल्व करते हैं अपनी, गिव अप करते हैं और फिर मांगते हैं, पर वो जैसे डिसॉल्व करेंगे वो पीएम नहीं रह पाएंगे। तो अगर वो नॉर्मल इंसान के तहत क्या करते हैं, अपनी ऑर्डनर अपनी वहां की सिटीजनशिप छोड़ते हैं और भारत की डिमांड करते हैं, तो किस बेस पे करेंगे, वो ये प्रूफ लगाएंगे कि मेरे दादा दादी यहां पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए थे, और मैं इच्छुक हूं कि मुझे भारत की नागरिकता मिले, क्लियर है बात। तो ये होते हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो आपको बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इस भारत देश का नागरिक हो सकता है या है, ठीक है, कौन सिटीजन बनना चाहता है तो किस तरीके से बनेगा, और जो है अभी जितनी भी जनता है इस 1950 में, उनमें से कौन कौन सिटीजन की कैटेगरी में, नागरिक की कैटेगरी में आएगा। तो देर आर 4 कैटेगरी ऑफ पीपल। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो इन चारों कैटेगरी में, बहुत आराम से समझना, कोई ज्यादा कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, और इस पर कोई क्वेश्चन खास आएंगे नहीं, बट समझने आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं पॉलिटी पढ़ाते वक्त आपको सिर्फ रटने या आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाना मेरा कहीं से भी एम नहीं है, क्योंकि एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जिंदगी आपको आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से स्टेट मशीनरी काम करती है, आप पे क्यों कानून लगता है, आपको क्यों कानून मानना है, कौन सी पावर है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो जो बोलते हैं वो हमारे को सबको फॉलो करना है, इसके पीछे आपके पास सारे कॉन्क्रीट रीजन होने चाहिए। तो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रादर देन क्रैकिंग एग्जाम। एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा, एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम आप ही के लेवल का है, आप लोग सब बच्चे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ही के लेवल का है, कोई बहुत मोटी चीज नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगी, आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट अगर नहीं भी होता तो दैट इज नॉट द बिग थिंग, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं होगा कल तो हो ही जाएगा, और हो सकता है कल आते आते तक आपका एग्जाम देने का मन भी ना करे, आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पर आपको भारत देश तो समझ में आना चाहिए, रहना तो इसी देश में है, तो ये पर्सपेक्टिव के साथ अपन को पढ़ाई करनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 ये आपको बताता है पार्लियामेंट की पावर। ये किसको बताता है, ये आपको थोड़ी बहुत पार्लियामेंट की पावर बताता है कि कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, या कैसे पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है कि वो सिटीजनशिप आपकी चेंज कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 9 जो है ये स्पेसिफिकली बताता है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आपने किसी फॉरेन सिटीजनशिप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास कोई फॉरेन सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप हमारा भारत देश अलाउ नहीं करता है, डुअल सिटीजनशिप हमारा भारत देश अलाउ नहीं करता है, तो द मोमेंट यू टेक सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री यू आर डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया की सिटीजनशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी और आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे अगर आपने किसी और देश की नागरिकता वॉलंटरली ली है तो, ठीक है।
नो कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ये आर्टिकल 9 बताता है। सिंपल सोबर सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 9, आखिरी वन डिजिट नंबर। क्या ध्यान रखना है कि भैया 9 पे क्या है, फुल स्टॉप है। अगर आप जैसे ही किसी और देश की सिटीजनशिप लोगे, आपकी भारत की नागरिकता डिसॉल्व हो जाएगी, आप जीरो पे पहुंच जाओगे, भारत के नागरिक आप नहीं कहलोगे। क्लियर है? तो नो कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, एक ही देश है भारत, और भारत के अगर नागरिक हो, भारतीय हो, तो भारतीय ही रहोगे। ठीक है? फिर आता है आर्टिकल नंबर 10। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यह क्या बोलता है कि जो भारत का नागरिक है या जिसके पास भारत की नागरिकता है या भारत का सिटीजन है, ठीक है, तो वो सिटीजन ही रहेगा, वो सिटीजन ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि उसको हर थोड़े टाइम में जाके इसको रिन्यू कराना है, या कल को कोई आके बोल देगा आप भारत देश के नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं है। वंस अ सिटीजन विल ऑलवेज बी सिटीजन प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन, ये ऊपर स्टार लगा हुआ है, पार्लियामेंट डीम्स फिट टू चेंज सिटीजनशिप प्रोविजंस। पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट सिटीजनशिप के एक्ट में कोई बदलाव करते हुए, ठीक है। 1950 तक तो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने बना के गए थे कि भैया ये कैटेगरी के लोग हैं, इस तरीके से नागरिकता मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पार्लियामेंट है। अब ये वतन किनके हवाले है, सही, ये सारा जो भी वतन है अब ये आने वाली सरकारों के हवाले है। तब आने वाली सरकार क्या डिसाइड करती है कि हम भारत देश के नागरिक हैं या नहीं है, या किसी को नागरिक बनाना है या नहीं बनाना है, किसी से छीननी है, किसी को देनी है, ये सब आगे की सरकारें डिसाइड करेगी। ठीक है? तो बस यही बोला है इन्होंने कि अगर हमने जिन जिन को सिटीजन बोल दिया है, एक बार जो सिटीजन डिसाइड हो गया है वो भारत देश का सिटीजन हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। उसको बार बार रिन्यू कराने के लिए, जैसे लाइसेंस रिन्यू कराते हैं हम, या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको रिन्यू कराना होता है एक वैलिडिटी के बाद, तो ऐसा काम सिटीजनशिप के साथ नहीं है कि आपको बार बार इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वंस अ सिटीजन यू विल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन फॉर एवर, फॉर एवर, बट प्रोवाइडेड पार्लियामेंट कोई चेंज इसमें से इसमें कर दे, तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट निकाला, उसको कई बार अमेंड करा है, और लेटेस्ट 2019 में अमेंड करने की जो बात थी, अमेंड करा है जो, वो 2019 लेटेस्ट अमेंडमेंट है। क्लियर है? तो सिटीजनशिप को एक्ट को कई बार अमेंड किया है पार्लियामेंट ने। पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही है, देश की सरकार के पास ही है, प्रदेश की सरकार के पास नहीं है, प्रोविंस की सरकार, स्टेट की सरकार के पास नहीं है, डायरेक्ट जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। क्लियर है बात? ये आर्टिकल 10 बोलता है। आर्टिकल 11 बोलता है, अब ये इसी का एक्सटेंशन है आर्टिकल 11, आर्टिकल 10 का ही एक्सटेंशन है। यहां पे क्या बोला है कि सिटीजन सिटीजन रहेगा जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी, जब तक पार्लियामेंट उसमें फेरबदल नहीं करेगी। और यहां पे पार्लियामेंट को फेरबदल करने की पावर दी है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर्स टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट, हमारी संसद के पास पूरा पूरा अधिकार है, विद द ड्यू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस फॉलो करने के बाद दे कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। वो सिटीजनशिप में कोई ना कोई फेरबदल कर सकते हैं, जो कि हमने रिसेंटली 2019 में देखा। क्या है 2019 वाले पार्ट को भी अपन आगे करेंगे, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इट वुड बी स्ट्रेचिंग द लेक्चर, तो उस पर काम नहीं कर रहे अभी अपन। अपन अभी समझ रहे हैं कि 2019 में जो हुआ वो भी एक अमेंडमेंट ही था एक्ट में, और पार्लियामेंट के पास सारे अमेंडमेंट करने की पावर है। पार्लियामेंट, हमारे देश की करंट सरकार जो भी होगी, उसके पास हमेशा पावर रहेगी कि वो चाहे तो सिटीजनशिप में कोई भी फेरबदल कर सकती है। क्लियर है बात? कल को वो मेरे को मना कर दे कि आप भारत देश के सिटीजन नहीं हो, तो मैं नहीं होऊंगा। ठीक है? कोई भी को मना कर सकती है कि नहीं हो, नहीं होगा, पर उसके लिए उनको लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो प्रोसेस है पूरा लीगल प्रोसेस, वो तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? बट अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और किसी के पास अधिकार नहीं है। तो 10 बता रहा है कि आप सिटीजन हो, सिटीजन रहोगे जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी, जब तक पार्लियामेंट कोई फेरबदल नहीं करेगी। और 11 बता रहा है कि ये फेरबदल करने की पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो ये दोनों आर्टिकल को आप साथ साथ कंजक्शन में पढ़ सकते हो, ये एक्सटेंशन ही है, 11 10 का एक्सटेंशन ही है। क्लियर है? और आर्टिकल 9 क्या बता रहा था, आर्टिकल 9 बता रहा था कि भैया अगर आपके पास भारत देश की नागरिकता है तो आप भारतीय हो, लेकिन आपने जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो आप भारतीय नहीं हो, आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, जितने भी बेनिफिट आपके पास इंडियन सिटीजनशिप के थे वो सब आपके खत्म हो जाएंगे, ये बताता है। क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने कर लिए हैं, कल आगे अपन इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे
कि क्या क्या नए एक्ट आए और क्या क्या फेरबदल हुए फर्दर आफ्टर 1950 की आगे की बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। सो दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप। आई होप आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और जैसा मैं आशा करता हूँ कि पुराने लेक्चर भी आपको क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए हों तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन और यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, बट जैसा होगा वी विल बी सीइंग इट। ठीक है, सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।